देख रहे कभी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं को लेकर योगी सरकार महिला सुरक्षा का दम भरती है, तो वहीं सब धरी की धरी नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में महिलाओं को लेकर घटनाएं हो रही हैं और उनके बीच सरकार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए सारे दावे झूठे नजर आ रहे हैं। ये घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करती हैं कि क्या योगी यूपी में इसी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अब इस बार इस फिर दहेज को लेकर एक महिला की मौत की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोतवाली मोहनगंज के ग्राम सभा रामनगर का है, जहां हौसला प्रसाद साहू ने अपनी बेटी नीलमा को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसके बाद 2016 में ग्राम सभा काशोखास थाना हरचंदपुर के रहने वाले रावेंद्र उर्फ अजय कुमार के साथ उसकी शादी कर दी, जिस पर लड़की के माता पिता ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले हमेशा दहेज को लेकर लड़की को मारते पीटते थे और घर से भगा देते थे। मामला शादी के बाद से ही शुरू हो गया था, जब दहेज मांगने का ससुराल वालों ने लड़की के माता पिता पर दबाव बनाया और उनसे एक बुलेट बाइक और 1,00,000 कैश की मांग की, और उसकी मांगे नहीं मानने पर लड़की को मारते पीटते थे। उसके बाद अभी लॉकडाउन के बाद लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को बुरी तरीके से पीटा और मारने के बाद उससे जेवर तथा कपड़े ले लिए और उसे घर से भगा दिया और कहा कि यहाँ दोबारा मत आना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। अभी हाल ही में सितंबर माह में माता पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने व मारने पीटने के आरोप में महिला थाने रायबरेली में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बात पर नीलम का पति अजय कुमार आया और लड़की को लेकर चला गया और उसके पति ने कहा कि मैं इसको दोबारा नहीं मारूंगा। एक महीना बीतने के बाद 2 तारीख को फिर से दहेज को लेकर उसने लड़की से मारपीट की और घर से भगा दिया। यहाँ तक कि धमकी भी दी कि इस बार आना तो बुलेट और 1,00,000 लेकर आना, वापस नहीं आना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद लड़की अपने मायके आ गई। उसके बाद 5 तारीख को जब नीलम की बेटी आराध्या रात में अचानक रोने लग गई तो उसकी नानी ने कमरे में जाकर देखा तो नीलम वहां नहीं थी। परिवार वालों के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। ढूंढते हुए शारदा सहायक खंड जौनपुर शाखा गांव के ही एक ओम प्रकाश नाम के आदमी ने बताया कि आपकी लड़की नहर की तरफ गई है। जब परिवार वाले व गांव के कुछ लोग नहर की तरफ गए तो उन्होंने वहां पर जाकर देखा पुल के पास लड़की के पायल और चप्पल रखे हुए थे। जिसके बाद परिवार वालों ने थाना मोहनगंज को फोन करके इस बात की जानकारी दी। गोताखोर सुबह आए, उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन लड़की नहीं मिली। दूसरे दिन तिलोई फाटक के पास लड़की की लाश अटकी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद लड़की के परिवार वालों द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के माता पिता ने बताया कि बेटी ससुराल वालों से परेशान थी, उसको मारपीट कर घर से भगा दिया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी आत्महत्या की क्योंकि ससुराल वालों ने कहा था कि दोबारा आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। पुलिस वालों ने माता पिता की लिखित तहरीर ले ली है, पर 5 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई दहेज की पहली घटना नहीं है। आए दिन ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जो सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक इस तरह दहेज के लालच में लड़कियां अपना दम तोड़ती रहेंगी और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी।